नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगई। हम देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स विभाग के 1-3 नोटिस, कहा घटिया मानसिकता पर उतरी भाजपा। 31 लाख के स्मैक के साथ बरेली के 2 तस्कर गिरफ्तार, इंडस्ट्रियल एरिया और शिक्षण संस्थान थे टारगेट। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर सड़क हादसा, खाई में गिरने से बाइक सवार युवक की मौत। अनिल बलूनी का श्रीनगर में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन, मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रहे मौजूद। नैनीताल में खुला डेमोक्रेसी कैफे, मतदाताओं को जागरूक करने की अनोखी पहल। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच उत्तराखंड में एक बार फिर नोटिस पर सियासत गर्मा गई है। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स विभाग ने 1-3 नोटिस भेजे हैं, जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। गणेश गोदियाल ने इसे भाजपा के द्वारा डराने की साजिश बताया है। साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वो डरने वाले नहीं है और हर जांच के लिए तैयार है। देहरादून पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों तस्कर बरेली के रहने वाले हैं। दोनों तस्कर देहरादून के इंडस्ट्रियल एरिया और शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को बेचने के लिए स्मैक ला रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के टिहरी जिले में बाइक खाई में गिरने का मामला सामने आया है। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक यूपी के मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला था। हालांकि अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अनिल बलूनी ने श्रीनगर में खंडा श्रीकोट से श्रीनगर के बीच रोड शो किया। रोड शो में सैकड़ों बाइक सवार भाजपा कार्यकर्ता समेत हजारों लोग शामिल हुए। लगभग 2 घंटे के रोड शो के बाद उन्होंने जनता से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जिताने की अपील की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शामिल रहे। लोकसभा चुनाव की जागरूकता और मतदान के फायदे को लेकर नैनीताल जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा भवाली के श्यामखेत क्षेत्र में डेमोक्रेसी कैफे खोला गया है, जहां पर स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को चुनाव के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। कैफे के जरिए नए युवा मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके साथ ही उत्तराखंड में आज से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भी शुरू हो गए हैं। नामांकन 27 मार्च तक होंगे। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वो किसी तरह का धार्मिक प्रचार नहीं करें। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां 3 बच्चों की मां का शादीशुदा दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक की घरवाली को जब पता चला तो दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। महिला की सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है, जबकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में सिख समाज के 3 दिवसीय गुरुमत संत समागम समारोह का विधिवत समापन हुआ। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। सीएम धामी ने समागम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब दरबार में माथा टेका। वहीं पहाड़ों में होली का आगाज हो गया है। चीरबंदन के साथ पहाड़ों में होलियार होली के रंग में रंग गए हैं। चीरबंदन के बाद होलियार घर घर जाकर खड़ी होली गायन कर रहे हैं। नैनीताल जिले के रामनगर में पुलिस ने कच्चे शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शराब को लोकसभा चुनाव 2024 में खपाने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।